जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन के कलेक्टर के विभिन्न अनुभाग तथा परिसर का किया औचक निरीक्षण, कहा समय से करें मुकदमों का निस्तारण। महापौर की अध्यक्षता में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक, शहर के विभिन्न समस्याओं के निस्तारण पर हुई चर्चा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा, निर्माण कार्यों के प्रगति पर जताया असंतोष। कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू वाहिनी और गोरक्षनाथ पूर्वांचल विकास मंच के सदस्यों ने SSP से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। जिला सहकारी बैंक के सदस्य पद के चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 10 तारीख को होगा वोटिंग। IGRS के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के संबंध में पुलिस लाइन में हुई बैठक, अधिकारियों ने दी इसकी बाबत जानकारी। विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों ने की गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की चल रही हड़ताल पर लगा विराम, लेकिन महीने के पहले और तीसरे सोमवार को जारी रहेगा विरोध। शिवराज सेना के सदस्यों ने केरल सरकार का फूका प्रतीकात्मक पुतला। सफाई कर्मचारी पर दर्ज मुकदमा को वापस किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का दूसरे दिन भी धरना रहा जारी। शकुशल संपन्न हुई दो केंद्रों पर चल रही उत्तर प्रदेश मदरसा मिनी ITI लिखित परीक्षा। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिकाओं का मानदेय को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बैठक हुई संपन्न। तेज आंधी में बिजली के तार पर गिरा पेड़, विद्युत व्यवस्था हुई बाधित। और गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन में व्याप्त भ्रष्टाचार का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मंडल को दिया जांच का आदेश।